खुशखबरी देने वाले हैं कि आपके भैया जी का पता चल गया है और हम जा रहे हैं उनको लेने के लिए। इस वीडियो में लीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर लीक कर दिए तो वो जहाँ भी होंगे भाग जाएंगे और कहने वाले जिनसे बात हुआ है वो लोग कह रहे हैं कि उनका माइंड काम नहीं कर रहा है और वीडियो देख करके वो लोग उनको बैठाए हैं और हम जा रहे हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आप लोग ऐसे मतलब क्या बताएं आप लोग दुआ करिए कि मतलब वो मिल गए हैं लेकिन अभी तक जब तक हमारे पास नहीं आ जाते आप लोग जानते ही हैं कि कितना डर लगा रहता है और पता चला है कि वो नेपाल साइड में है और वहाँ पर जो है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, बॉर्डर बंद है, 2 दिन के लिए बॉर्डर बंद है। फिर भी हम जा रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर और अभी हम अपना ड्राइवर बुलाएंगे और जाएंगे, तुरंत निकलेंगे। और आप लोग अपना देखिए और दुआ करिए कि वो मिल जाए जहाँ भी है, सुरक्षित हो, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि सुरक्षित है। और एक बुजुर्ग इंसान हमको फ़ोन किए थे, वीडियो के नंबर पे जो नंबर था उसी पर फ़ोन किए थे, तो हम वही वीडियो मतलब वो लोग देख करके फ़ोन किए थे। हमारा पता नहीं दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बस इतना जान लीजिए वो मिल गए हैं। और छन देखिए यहाँ पे बहुत खुश है, देखिए मुस्कुराहट आ गई मेरे बच्चा के चेहरे पे, मुस्कुराहट आ गई। और भगवान से आप लोग मनाइए कि जैसे भी है ठीक हो और हम जा रहे हैं उनको लेने के लिए। आप लोग प्लीज आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रहिए, कहीं ना कहीं आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है जो आज हमारे पतिदेव मिल गए हैं, क्योंकि जो उनको पकड़े हैं वो भी एक सब्सक्राइबर ही हैं और उनका बेटा जो है हमारा बहुत बड़ा फैन है। लेकिन वो बता रहे थे, लेकिन वो बुजुर्ग इंसान है और वो बोल रहे थे कि बेटा वो जंगल के रास्ते भाग रहा था और जूता चप्पल नहीं था पैर में, जो कि हम जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि वो जूता चप्पल नहीं पहन के गए थे। लेकिन हम यही नहीं समझ पा रहे कि उनका माइंड क्यों नहीं काम कर रहा है। हम बोले कि अंकल जी उनका बात हमसे उनसे बात करवा दीजिए, तो कान पे फोन लगाए हैं, बोले बाबू बोलो बोलो, तो कह रहे हैं हाँ खाना खाइले बनी, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे हम आवाज़ सुने तुरंत दिल में एकदम धक से हुआ है और हम तुरंत आवाज़ पहचान गए हैं, उन्हीं का आवाज़ था। तो जहाँ पे वो बुलाए हैं बूढ़े बाबा, वो तो बोले हैं कि बेटा जैसे हम 2-3 दिन से रखे थे अपने पास, वो कह रहे हैं बेटा जैसे हम 3 दिन रखे थे वैसे हम 2 दिन और रख लेंगे, तुम 2 दिन के बाद आना। लेकिन हमारा जी नहीं मान रहा है, हम आज ही जाएंगे और अभी निकल रहे हैं। तो आप लोग पूरा एकदम प्रे करिए कि हमारे महादेव एकदम सुरक्षित हमको मिले, हो सहवास में मिले, क्योंकि उनका आवाज़ सुन के हमको बहुत डर।